السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. मैं जरा साथ खा रही हूँ, तुम्हें पढ़ो. ठीक है. ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اوكي بياخد بعدين ما في مشكلة بعدين. اوكي अच्छा, जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने ये फैसला किया था, हम हफ्ते में सिर्फ एक दिन जो है वो नहवुल वादे को कर लेंगे थोड़े से टाइम के लिए, एक एक लेसन उसका, लेकिन ज्यादा टाइम जो है वो लुगा अरबिया को देंगे. ठीक है, इंशाल्लाह. और हमने ये कल शुरू कर लिया था पहला लेसन, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा किया था, उसको दोहरा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह. तो जी शबाना, आप बताएंगी कि क्या पहले लेसन में से, कल के लेसन में से, कल की क्लास में से आपको क्या समझ आया था, उसके बारे में बताएं, फिर हम आगे चलते हैं. जी जी, ये अराब जो है वो अराब नहीं है, पहले तो उसको ठीक करें. ए अराब है शबाना. ये बदलते हैं और अल बिना है जो ये नहीं बदलते. ठीक है. और फिर और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? फिल अस्माई, फिल अस्माई यानी अस्मा के बारे में. अस्मा कौन है? ये जो अराब के नाम है वो अस्मा, इस्म की जमा है ना. हाँ, इस्म की जमा है वो तो. हाँ, इस्मा यहाँ पे वैसे तो अस्मा नाम भी होता है, लेकिन यहाँ पे अस्मा इस्म की जमा के तौर पे आ रहा है. ठीक है. और यानी हम इस्म की बात कर रहे हैं, यानी अस्मा की बात कर रहे हैं, फ़िल की बात नहीं कर रहे. हाँ, इस्म की बात है. हाँ, इस्म की बात कर रहे हैं जी. तो इस्म में, इस्म में कुछ इस्म ऐसे होते हैं जिनकी एराब, हाँ, जिनकी हालत जो है वो बदलती है. एराब का मतलब है उसकी हालत. हालत जैसे जर है, रफा है और नसब है. और कुछ है जिनकी हालत नहीं बदलती, जिनकी हालत नहीं बदलती उनको मबनी कहते हैं, और जिनकी हालत बदलती है उनको मुअरब कहते हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट यू, शेख ने कहा था ये रफा दम्मा इससे याद ना रखें, क्योंकि अगर कभी आपको, हाँ, इससे ना याद रखें, कभी आपको ना मिले तो जिस तरह कल ही हमने वो देखा था कि वो अलामात टी था. मैं कह रही थी कि जब ये नसब की हालत में तो इतना क्यों नहीं है? देखें देखें नौरीन, जरा क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको. यहाँ पे शेख ने ये कहा होगा कि कसरा, देखें दो चीजें हैं नौरीन, एक तो है कि कसरा गम्मा और फतहा, वो हरकात हैं, हमें हरकात से याद नहीं रखना. लेकिन लेकिन आपने कहा कि रफा से नहीं याद रखना, रफा से तो रखना है, रफा तो हालत से रखना है, यानी हालत से याद रखें नौरीन. रफा हालत का ही नाम है. हाँ, हम गम्मा से उसको याद नहीं रखेंगे, हम गम्मा से याद नहीं रखेंगे कि पेश को ढूंढते रहें, उससे नहीं हम देखेंगे कि जेर को ढूंढते रहें, जबर को ढूंढते रहें. शबाना ने शायद वो कहा ना कसरा और वो तो, नहीं नहीं उसने रफा ही कहा मुझे लगता है. नहीं नहीं, मैंने 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 कहा रफा, हाँ, नसब और उन्होंने सही बोला था. अच्छा, मैंने कसरा नहीं कहा. हाँ ठीक है नौरीन, तो इज दैट वेरी क्लियर? क्योंकि ये मेरा खुद अपना काफी बाद में जाके क्लियर हुआ था ये कॉन्सेप्ट. शेख साहब ने क्लास में भी बहुत दफा ये चीज कही थी हमें. हाँ, हाँ. बिना का मतलब दोबारा बताएं, बिना क्या है? जो चेंज नहीं होंगे अस्मा, यानी जिनकी हालत चेंज, मतलब वो हरकत चेंज नहीं होगी. अब देखिये असल में नाम हो गए ना. जी, अस्मा में से कुछ अस्मा मबनी होंगे और कुछ मुअरब होंगे. मबनी वो होंगे जो किसी हालत में भी अपनी वो चेंज नहीं करेंगे हरकात को, लेकिन लेकिन मुअरब वो होंगे जो अपनी हरकात को चेंज कर लेंगे, बदल जाएंगे. अब हरकात का नाम जो है ना वो उर्दू में तो हम जेर जबर पेश कहते हैं, लेकिन अरबी में जो हरकत है उनका नाम है फतहा, कसरा, गम्मा. लेकिन जो हालतें हैं उनका नाम है रफा, नसब और जर.
हमने हालतों को जहन में रखना है, ये इस्म हालत रफा में है फिर वो मरफू होगा, हालत नसब में है तो मंसूब होगा, हालत जर में है तो मजरूर होगा। लेकिन उन हालतों को हम सिर्फ जो है वो फतहा कसरा दम्मा के तौर पे ना ढूंढते रहे कि अच्छा दम्मा नजर आएगा तो हालत रफा होगी, वो हर वक्त नजर नहीं आएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई? शबाना आपको क्लियर है? नहीं, नजर नहीं आएगा मतलब क्या नजर नहीं आएगा? यानी एग्जाम्पल जैसे ये पहला ही जो मिसाल दी हुई है ना, पढ़े जरा ये मिसाल शबाना। जाल मुदर्रिस जाल मुदर्रिस क्या मतलब है इसका? जाल मुदर्रिस क्या तर्जुमा है इसका शबाना जी? ये मुदर्रिस जा अल मुदर्रिस जा की वजह से इसको रफा मिला? नहीं आप मुझे मतलब बताएं इसका। हाँ मुदर्रिस गया, क्या सॉरी टीचर गया, गया नहीं जा का क्या मतलब है? आया। हाँ सॉरी आया, रहाबा का मतलब गया है। रहाबा तो जा का मतलब लगता है कि जैसे चला गया, लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट है। जा आया, रहाबा का जो जा आया। जा अल मुदर्रिसु क्या मतलब है इसका? मुदर्रिस आया। हम लोग उर्दू में कहते हैं ना जा तो। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अरबी में बिल्कुल उल्टा है, इसका मतलब आया। आया सॉरी। ठीक है, जा अल मुदर्रिसु क्या मतलब है? मुदर्रिस टीचर आया, आया टीचर आया। अब मुझे बताएं कि ये मरफू है, क्या मरफू है, कौन मरफू है? मुदर्रिस। हाँ मरफू है, कैसे आपको पता चला शबाना कि ये मरफू है? इस पे नसब, नसब हालत नसब की वजह से। क्या बात है। नहीं नहीं सॉरी, गुलाम मुस्तफा साहब आप बताएंगे जी। इसमें जो है ना जाल मुदर्रिस इसमें पेश आ रही है, पेश की वजह से ये मरफू हो गया। यानी पेश का अरबी नाम क्या है? पेश नहीं कहेंगे हम उर्दू में, दम्मा आने की वजह से, दम्मा आने की वजह से ये मरफू हो गया। और मुदर्रिसो ये दम्मा इससे पहले जो अमल आ रहा है हमने उसको भी देखना है, उसकी वजह से इसको दम्मा मिल रहा है। क्यों तो यहाँ पे इस जुमले में क्यों दम्मा मिला है इसको? क्योंकि यहाँ पे मरफू है, वो इसम है। नहीं तो इसम को क्या सिर्फ हमेशा दम्मा ही मिलेगा? यहाँ पे दम्मा मिलने की क्या वजह है? बिल्कुल ये दम्मा आया है, ठीक है, यही है ना जो पेश जिसको आपने कहा उसको अरबिक में दम्मा कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये दम्मा क्यों आया? नहीं ये फेल है, फेल है, इसलिए फेल है। अल्लाह जो है ना, मेरे प्यारे क्लास फेलोज क्या हो गया आप लोगों को? मफूल है, मफूल है। उफ नौरीन, फाइल है, सॉरी फाइल है। हाँ ठीक है, अब मैं जिसका नाम लूंगी सिर्फ वही बोलेगा, ठीक है? अच्छा, क्योंकि वो दो तीन लोग बोल जाते हैं ना तो फिर वो समझ नहीं आती। ठीक है जी, गुलाम मुस्तफा साहब आपसे पूछ रही थी मैं, ये इसम फाइल की वजह से इसको मिला है, ये इसम फाइल है यहाँ पे। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है, फाइल की वजह से मिला है, ठीक है। तो फाइल जो होता है वो हमेशा हालत रफा में होता है जी, ठीक है। अच्छा ये फाइल है, काम करने वाला है, इसलिए इसको गम्मा मिला। लेकिन गुलाम मुस्तफा साहब जब अभी ये तो वाहिद है ना मुदर्रिस, इसकी तस्निया क्या होती है? तस्निया जी वाहिद तस्निया जमा होते हैं ना जी जी जी, मुदर्रिसु वाहिद है, इसकी तस्निया ओके। यहाँ पे वो चीज क्लियर होगी जो उसको क्लियर शबाना को जो कंफ्यूज कर रही थी, और जिसको मैंने कहा अभी कि हमेशा पेश नहीं नजर आएगा आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुने बात को, बल्कि अच्छा चले ठीक है। मुदर्रिसीन आपने ठीक बोला गुलाम मुस्तफा साहब, लेकिन वो हालत नसब और जर में होता है। मुदर्रिसीना, मुदर्रिसानी ये हालत रफा में होता है। मुदर्रिसानी जी,
ओके, तो अगर आपने कहना है कि दो टीचर आए, आप क्या बोलेंगे? जा अल मुदर्रिसानी। जा अल मुदर्रिसानी, जी। ठीक है, क्योंकि आप मुदर्रिसानी हालत रफा है, और आपने अगर उसको आप फाइल के तौर पे लगा रहे हैं तो हालत रफा ही लगाएंगे उसके। अगर आपने मतलब उसको लगा दिया ना मुदर्रिसीना, वो हालत नसब या जर है। ये बात कह रहे हैं आपको? जी जी जी, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आपने मुदर्रिसानी, वो हालत रफा है लेकिन कोई पेश तो नहीं है उसके ऊपर, कोई दम्मा तो नहीं है, फिर कैसे पहचाना हमने उसको? यही सवाल पूछते होते हैं शेख साहब, और यही पे हम सब अटकते हैं। जी जी, कौन बोला अभी? नजमा, आपने बताया? बंद करो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। हाँ, सही बताया आपने नजमा, रिपीट करें जरा। जा अल मुदर्रिसानी, जी। आनी जो है, हाँ, अलीफ जो है, क्योंकि आनी नहीं है, क्योंकि नून तो जो है ना वो ऊन में भी आता है, ठीक है, तो सिर्फ अलीफ जो है गिर जाएगा वो। हाँ, अलीफ जो है वो तस्निया की निशानी है, और तस्निया में हालत रफा की निशानी है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहेंगे मुदर्रिसीना, देखिये नजमा, उसमें भी या उसमें भी वो आ रहा है ना, नून तो उसमें भी आ रहा है, लेकिन उसमें या जो है वो निशानी है। अच्छा, बल्कि मुदर्रिसीना, हाँ, ये तस्निया है या जमा है? मुदर्रिसीना जमा है, तो तस्निया, हाँ हम तो तस्निया की बात कर रहे थे। तस्निया क्या होगा हालत नसब में? हालत नसब में जी बिल्कुल ठीक नजमा जी। नौरीन, आप रिपीट करें जरा, तस्निया क्या है हालत नसब और जर में मुदर्रिस का? मुदर्रिसैनी, बारकल्लाहु फीकी। ठीक है, तो नजमा, अब आपको क्लियर हुआ कि हम अलीफ नून से नहीं बल्कि सिर्फ अलीफ से तस्निया को पहचानते हैं, और या को, हाँ, या को जो है ना हालत नसब और जर होती है उसकी, मुदर्रिसैनी, और जमा में वाव होगा, ठीक, मुदर्रिसूना, बिल्कुल ठीक। हालत रफा की पहचान, अब हालत रफा में को हमने किससे पहचाना? मुदर्रिसूना में वाव से, ठीक है, और फिर हालत नसब और जर की मुदर्रिसीना, जो अभी हम बोल रहे थे। फ्रेंकली स्पीकिंग, सब बताएं, शबाना, फरीहा, मौला मुस्तफा साहब, कि क्या आपको ये बात समझ आ गई है जो भी हमने डिस्कस की है, कि हालत रफा और नसब और जर को हम कैसे पहचान रहे हैं? ये मुदर्रिसूना तो समझ में आ गए, मुदर्रिसीना यानी इससे हम इसका करेंगे कि क्या वो उस पे आएगा। ये हालतों पे मुझे लगता है मुझे ना थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ये एक दूसरी बुक है ना जो हमारे पास थी, एक मिनट। जमा तो वाव से पहचान लेंगे ना हम, लेकिन हालतें वो मुदर्रिसीना यानी जब, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे, जिसका मुदर्रिसैनी और मुदर्रिसीना अगर इस पे ना लगे हो यार आप, तो हमें पता ही ना चले। ये देखें, अच्छा एक जो देखें, ये पेज नजर आ रहा है आपको? मैंने एक और बुक ली है इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब देखें, ये मतलब अदद के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, नंबर, किसी भी इस्म के नंबर के बारे में बात हो रही है, अदद के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब अदद में तीन तरह के अदद होते हैं, वाहिद और तस्निया और जमा, ठीक है, ये तो सही है, सबको पता होगा। शबाना, ध्यान से समझना है, और जहां कंफ्यूजन होगी तो जरूर पूछ लेना आपने वहीं पे मुझसे। अच्छा, अब नॉर्मल जो होता है, अच्छा एक बात और आप याद रखें सब, कि बाय डिफॉल्ट हालत जो होती है ना किसी भी इस्म की, वो हालत रफा ही होती है, बाय डिफॉल्ट हालत, यानी जो नॉर्मल हालत में एक इस्म होता है ना, हालत रफा ही होती है उसकी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने ये पहली जो मिसाल उन्होंने दी है, किताबुन, ठीक है, इसका जो दम्मा है ना, बल्कि दम्मा तैन, डबल पेश लगी हुई है ना, किताबुन, ठीक है, दम्मा तैन जो है ये इसके हालत रफा में होने की निशानी है,
और यही इसकी ओरिजिनल हालत भी है, यानी जब भी आपने नॉर्मल सिर्फ किताब लफ्ज बोलना होगा ना अरेबिक में, आप किताब उन बोलेंगे, किताब बन नहीं बोलेंगे, किताब बिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो किताब बन हालत नसब है और किताब बिन हालत जर है, जिनकी कोई ना कोई रीजन होती है। जब भी इस्म हालत नसब में होता है या हालत जर में होता है तो उसकी कोई ना कोई रीजन होती है, लेकिन वैसे ही नॉर्मल एक लफ्ज बोलना है तो हमेशा हम हालत रफा का बोलते हैं, यानी किताबुन बोलेंगे हमें हमेशा। ठीक है, एक बात ये हो गई। अच्छा, इससे अगर मैं किताबुन इसकी तस्निया कहूँ तो शबाना क्या इसकी तस्निया है? ये लिखी हुई है सामने, किताबानी, किताबानी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हालत है, जब भी आप नॉर्मल तस्निया बोलेंगे ना आप हमेशा किताबानी बोलेंगे, हमेशा किताबैनी नहीं बोलेंगे कभी भी। ओके ओके, क्योंकि वो हालत नसब और जर है, किताबैनी, राइट। आपने नॉर्मल बोलना है ना तो आप किताबानी बोलेंगी, क्योंकि हालत रफा बोलेंगी आप। ये जो आनी है ये उन्होंने लिखा भी हुआ है कि इससे आनी की आवाज पैदा होती है, यानी ये सिर्फ याद रखने के लिए उन्होंने कहा हुआ है। एक मिनट जी नौरीन, मुअन्ना जो है वो मुअन्नस के लिए क्या वर्ड होता है? नहीं नहीं, वो मुसन्ना तो इसके लिए होता है ना, तस्निया का ही दूसरा लफ्ज है ना मुसन्ना, उसके लिए एक कोई और होता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, किसी और को याद आ रहा है तो बता दे मुअन्नस के लिए क्या लफ्ज होता है। मुझे मुसन्ना से लगा कि मुसन्ना ही बनाना होता है ना जब नहीं, मुसन्ना तस्निया क्या ही दूसरा नाम है नौरीन, मुसन्ना बनाए का मतलब है तस्निया बनाए, उसके लिए कोई और लफ्ज है मुअन्नस जिसके लिए ना, वो इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे उसको, फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा साहब बता रही क्या वो मुअन्नस? जी नसीम साहब क्या है उनसा, शायद आप बता रही क्या? नहीं उनसा तो वैसे है ना, लेकिन तो वैसे बनाना होता है, मुअन्नस बनाए किसी उसको तो फिर उसमें जो आता है वो मुसन्ना ही नहीं आता? नहीं, वो ऐसे ही आता है वाहिद तस्निया जमा, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, वाहिद तस्निया जमा मेरे ख्याल से ऐसे नहीं, ही नहीं, आता है। नौरीन जो पूछ रही है वो मैं समझ गई वो क्या पूछ रही है, उसको इंशाल्लाह नौरीन देख लेंगे हम इंशाल्लाह। नहीं तस्निया का मतलब दो चीजें होती है, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। बिल्कुल ठीक है, वो ये बात नहीं पूछ रही, वो कह रही है जब क्वेश्चन में आता है कि इस इस्म को, इस मुज़क्कर को मुअन्नस बनाए उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो ये पूछ रही है। अन्निस कहा जाता है उसके लिए, अन्निस। ओके अन्निस, हाँ नौरीन, हाँ ये सही लग रहा है मुझे। अमर पहले अमर बनाना होता है ना, हाँ उसको साइलेंट करना होता है, अन्निस। ठीक है जी, जजाकल्ला नसीम साहब। ठीक है, रिफत अगर जो वाहिद है वो हालत रफा में होगा तो पेश से पहचानेंगे, ठीक है, से पहचानेंगे। लेकिन अगर तस्निया होगा तो अलिफ से पहचानेंगे, इस वाले अलिफ से। हाँ, अलिफ से पहचानेंगे। अब क्लियर हुई बात? और अगर यहाँ पे किताबिन होता वाहिद, वाहिद हाँ किताबिन होता वो हालत जर होती जी, और किताबन होता तो वो हालत नसब होता, नसब होती, बिल्कुल ठीक है। तो उनके साथ फिर क्या, उनके साथ क्या आता फिर, इसके साथ अगर किताबिन था होता यहाँ तस्निया कैसे बनती? तो जी जी किताबैनी, ला नून लगता किताबानी की बजाय। ठीक ठीक ठीक, और किताब बन होता तो उसकी तस्निया कैसे बनती? वो भी किताबैनी। हाँ ठीक है, हालत नसब और जर दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमें तीन चीजें नहीं याद करनी, बस एक ही और चीज याद करनी है। ठीक है, अब क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर ले अभी। नहीं 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 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब बल्कि ना जो है आईनी होगा और जमा में या के नीचे ज़ेर है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम चलते भी जाते हैं आगे क्योंकि उन्होंने दिया भी हुआ है। अच्छा, ये तो तस्निया बनाने का कायदा था ना, बाय डिफॉल्ट तस्निया कैसे बनता है? आनी की आवाज पैदा करके।
और वही बाय डिफॉल्ट हालत ही हालत रफा होती है, ये आपने याद रखना, ठीक है। अब जमा कैसे बनता है, ऊना लगा के, ठीक है, यानी वाव नून लगा के। और साउंड कैसे आती, देखिए वाव नून का इजाफा करते हैं उसकी तनवीन गिरा के, और ऊना की साउंड आती है, ये उन्होंने बस हमारी आसानी के लिए लिखा हुआ है। और उसकी एग्जाम्पल्स क्या दी हुई है, जैसे मुस्लिमुन मुस्लिमूना, उसकी जमा हो गई, मोमिनुन मोमिनूना। तो हम कहां से पहचान रहे हैं, वाओ नून से। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये कौन सी हालत है, आप क्या बताएंगे, हालत रफा है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही है ना, पहला अगर मैं पूछूंगी जमा तो आप ऑटोमेटिकली मुझे मुस्लिमूना बताएंगे, इसकी बाय डिफॉल्ट हालत है और यही हालत रफा होती है। That clear? जी जी हाँ जी। तो हम आगे चलते हैं जहाँ पे उसकी हालतों के हिसाब से दी हुई है। ये कौन सी किताब है, आप जरा फॉरवर्ड करेंगे इस किताब को, इंशाल्लाह जरूर। ये बहुत अच्छी किताब है और इस किताब को ना मैंने रेगुलर भी पढ़ाना शुरू किया हुआ है। ये हमारे पास है, ये हम लोगों ने, आप लोगों के पास है, ये हमारे भाइयों के पास नहीं है, हम खवातीन के पास तो सबके पास है, हमने मंगवाई थी और शेयर की थी एक दूसरे के साथ। तो वैसे इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको शेयर कर दूंगी। और नसीम साहब ये जो है, मैं ये फ्राइडे को मैंने ये शुरू से पढ़ानी शुरू की हुई है किताब, एवरी फ्राइडे क्लास होती है इसकी। कितने बजे वो क्लास होती है, 9:40 पे सुबह, 9:40 पे, इंशाल्लाह। तो अगर आप उसमें भी आना चाहें तो मुझे बता दें जी, जी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मजीद आपको तरक्की दे, हमारी दुआ है, आमीन, जज़ाकअल्लाह, इंशाल्लाह। अगर आप आना चाहें इसी एड्रेस के ऊपर, इसी ये जो आपने इसी लिंक पे, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ठीक है। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि उसका ग्रुप, लेकिन व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने अलग बनाया हुआ है, कभी खुदा ना खास्ता कभी छुट्टी देनी पड़े या कभी टाइम आगे पीछे करना पड़े तो फिर उस ग्रुप में मैं मैसेज भेज देती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं फिर उस ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगी। ऐड कर लें, देख लें इंशाल्लाह, ठीक है। तो 9:40 पे होती है और ये उसमें ये सिर्फ ग्रामर ही हम आहिस्ता आहिस्ता लेके ये पूरी बुक उसमें इंशाल्लाह हम करेंगे। और उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो मैं आपको वो मैंने बल्कि फिर मैं इसी क्लास में शेयर कर दूंगी, इसकी रिकॉर्डिंग भी पहली क्लासेस की मौजूद है, वो फिर आप देख लीजिएगा। रिफत इसका इसको भी क्लियर जरा कर दो ना, ये भी आगे नहीं करना, ये काफिरातुन है ना, ऊपर हमने काफिरुन पढ़ा था ना, तो काफिरुन है ना, हाँ काफिरुन था ना, वो मुज़क्कर था और काफिरतुन यानी गोल ताल लग के उसी का मौनस बना हुआ है, ठीक है ठीक है। और इसकी तस्निया क्या होगी, इसकी तस्निया बनाए शबाना, ये आगे है ना, ये तो जमा है काफिरतुन, ये तो जमा है काफिरतुन। जमा कैसे बनती है, ये उस गोल ता को लंबी ता में बदल देते हैं, ठीक है, और अलिफ लगा देते हैं, अलीफ का इजाफा करते हैं, बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से आ तो उनकी आवाज पैदा होती है, ठीक है, तो ये जमा मोनस सालम बन जा जी। इसकी तस्निया बनाए शिवाना, आफिरत उनकी तस्निया क्या होगी जी, कोई और बता दे जी, गुलाम मुस्तफा साहब आप बताएं, ये काफिरा की जी तस्निया क्या होगी, आफिरतानी यही जो ता है ना उसी के आगे अलिफ नून लगा देंगे बस, ठीक है, काफिरतानी सादिकतानी काजिबतानी, बिल्कुल। अगर काफिरुन है तो काफिरानी उसका मुजक्कर का बनेगा, लेकिन अगर काफिरतुन है तो काफिरतानी हो जाएगा, ठीक है, उसी ता के आगे अलिफ नून आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसकी उन्होंने एक टेबल बतानी है, ये मेरे पास अब ये एराबी हालतें हैं, देखें वो तो हम वाहिद तस्निया जमा वैसे हमने नॉर्मल डिस्कस कर लिया ना, क्योंकि असल में हम एराब की बात कर रहे थे अपने लेसन में। अब ये एराबी हालतें ये समझना जरूरी है, मैं आप यहां से समझा देती हूँ आपको एक दफा। तो उन्होंने देखिए लिखा हुआ है कि अरबी जुबान में एक ही इसम कई शक्लें तब्दील करता है मगर उसका जाती माना तब्दील नहीं होता, मानवी तब्दीली के बगैर इसम की शक्ल या हालत में तब्दीली को एराब कहते हैं, उसी तब्दीली को ही एराब कहते हैं, उसका बदलना ही एराब कहलाता है।
हालांकि उर्दू हम जो उर्दू बोलते हैं ना, हम समझते हैं कि जेर जबर पेश को एराब कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हम अपना ठीक कर लें. जेर जबर पेश का नाम होता है हरकत, के वो हरकत होती है. उसका उसका मानी चेंज नहीं होगा. ये नहीं मानी तो देखो ना, मुदर्रिसु कहो, मुदर्रिसा कहो, मुदर्रिसी कहो, मानी तो मुदर्रिस ही है, मानी तो टीचर ही रहेगा. मानी कैसे चेंज हुआ? मानी नहीं चेंज हुआ, उसकी हालत चेंज हो जाती है, हो जाएगी. यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ये हमारा पता है क्यों, मैं खुद इसको बहुत देर से इसलिए समझी थी, हम जब भी एराब की बात करते हैं ना तो हमारे जहन में आता है जेर जबर पेश, उसको एराब नहीं कहते, उसको हरकत कहते हैं. ठीक है, एराब किसको कहते हैं? उसकी हालत बदलने को. और हालत बदलने का क्या मतलब है? कभी वो इस्म काम कर रहा होगा, फाइल की हालत में होगा, कभी उस इस्म के ऊपर काम हो रहा होगा, वो मफ़ऊल की हालत में आ जाएगा, और कभी वो इस्म सिर्फ पहचान के तौर पे इस्तेमाल होगा और वो इजाफी हालत में आ जाएगा, जिसको हालत जर कहते हैं. ठीक है, उसकी हालत जो बदलती है ना, उसको एराब कहते हैं, उसकी हालत के बदलने को. और वो हालत की तब्दीली हमें जेर जबर पेश से नजर आएगी, यानी मतलब वाहिद की शक्ल में सिर्फ. ठीक है, जैसे देखिए ये नीचे जो मिसाल लिखी है, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाही, ठीक है, अल्लाह के ऊपर पेश जबर जेर फतहा कसरा दम्मा, ठीक है, लेकिन क्या अल्लाह का मानी बदल जाता है? नहीं, नहीं बदलता. ठीक है, अब उसका क्या बदलेगा फिर? इनके ये हरकत बदलने से उसकी हालत बदल रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्लाह काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि खलकल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया, यहाँ पे अल्लाह फाइल है, फिर अल्लाहु बोल रही हूँ मैं, खलकल्लाहु, ठीक है, कि वहां अल्लाह फाइल है. अगर मैं कह रही हूँ इत्तकुल्लाह, मैं इत्तकुल्लाहु नहीं कहूंगी, मैं कह रही हूँ इत्तकुल्लाह, क्या मतलब? इत्तकु डरो, अल्लाह अल्लाह से, हालत नसब में आ गया. क्यों? क्योंकि मफ़ऊल हो गया, डरना हमने है. किससे डरना है? अल्लाह से. वो काम जो डरने का वो अल्लाह पर हो रहा है, अल्लाह से डरना है, हमने डरना है, हम फाइल है उसमें. इज दैट क्लियर शबाना? क्लियर हुई ये बात? जी 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 जी. अभी हालत बदल गई है उसकी, अल्लाह का मानी नहीं बदला, अल्लाह की हालत बदल गई है. हालत बदल गई. हाँ, यहाँ पे अल्लाह, यहाँ पे यानी ये अराब आने से हालत बदलती है. फिर वही कह रही हैं आप, अराब आने से, आप कहें हरकत बदलने से. अराबी हालत बदल जाती है. अराबी हालत, हाँ, ठीक है. और अराब यानी वो कहते ही उस हालत को है. यहाँ पे अल्लाह जो है हालत रफा में है, यानी फाइल वाली, ये काम करने वाली हालत बोलेंगे. जी, या अराबी हालत, यानी अराब की, अराब बदलने से उसकी हालत बदल गई. यहाँ पे फाइल की हालत में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह, यहाँ पे किस हालत में आ गया? मफ़ऊल की हालत में आ गया. ठीक है, मैंने उसकी मिसाल भी दे दी आपको. जी जी, अल्लाह, अल्लाह से डरो, ठीक. और अल्लाह ही इसको कहते हैं, ये हालत जर है. ठीक है, आपको मैं मजे की बात बताऊं कि इस हालत जर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दो वजूहात से होती है. ठीक है, हालत किसी भी इसम की, हालत जर जो है ना, यानी ये कसरा वाली, इसमें आपको कसरा नजर आएगा, वरना हालत जर ही उसका प्रॉपर नाम है, सिर्फ और सिर्फ दो वजूहात से होती है. एक वजह तो ये है, उसके पीछे जी कोई बताएगा कौन सी दो वजूहात हैं, कैसे किसी इसम को जर मिलता है? एक तो मजरूर हो. जी नहीं, मजरूर हो, किस वजह से मजरूर हो? उसके आखिरी हर्फ से पहले देखा जाएगा कौन सा हर्फ आ रहा है. जी नौरीन, आप बताएं. मजरूर तब होगा उसने, उसके आखिरी हर्फ से पहले देखा जाएगा. जी नौरीन, आप बताएं. हुरूफ जर की वजह से और इजाफत की वजह से. बिल्कुल, बारकल्लाहु फीकी. ठीक है, दो रीजंस की वजह से ही आ सकता है. वो दो रीजंस क्या है? एक तो ये रीजन है कि उसके पीछे कोई हर्फ जर आ जाए जिसकी वजह से वो मजरूर हो जाए. ठीक है, और दूसरी हालत जर में होने की वजह है कि इजाफत उसकी कायम हो किसी से. मिसाल के तौर पे इजाफत की क्या मिसाल है? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, यानी वो मुदाफिले बन के आए.
कि अल्लाह अगर मुदाफ इलेह बन के आए तो फिर वो हमेशा हालत जर में होगा, और उसकी मिसाल मैंने दे दी किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, ये हालत जर में होगा, या फिर हर्फ जर पीछे आ जाए तो फिर जैसे मिनल्लाही, अल्लाह से, अल्लाह की तरफ से, ठीक है, मिन की वजह से वो हालत जर में होगा। सिर्फ ये दो वजूहात हैं कि कोई भी इस्म हालत जर में जा सकता है, वरना हालत नसब में होने की बहुत सारी वजूहात हैं। और हालत जी रिफत अदाफत, अदाफत का थोड़ा सा क्लियर करो, अदाफत कायम हो, अदाफत ताल्लुक को कहते हैं, हाँ ताल्लुक, यानी एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक कायम किया जाए तो उसको इवाफत कहते हैं। जैसे मैंने किताब का ताल्लुक अल्लाह से कायम किया, किताबुल्लाही, और उसका तर्जुमा करने में हमेशा का की के आता है, ठीक है, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब, बैतुल्लाही अल्लाह का घर, वो जो बैत है ना या किताब है उसकी उसकी जो हरकात है ना वो कुछ भी हो सकती है, वो किताब अल्लाह ही भी हो सकता है, किताबुल्लाह ही भी हो सकता है, किताबिल्लाह ही भी हो सकता है। किताब की जो हरकत है ना वो फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की हरकत हमेशा फिक्स रहेगी, कसरा ही लगेगा जो मुदाफ, ठीक है, किताब मुदाफ है और अल्लाह मुदाफ इलैह है, ठीक है, मुदाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है, मुदाफ जो है ना वो चेंज होता रहता है, वो चेंज होगा। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ क़रातु, शबाना आप जुमला बनाइए अरबी में, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, जी बताइए अरबी में क्या बोलेंगे इसको, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, एक मिनट फिर से बोलना, मैं लिख रही थी उस वक्त, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैंने पढ़ी, सिर्फ इतना बनाओ, मैंने पढ़ी, नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा। नौरीन चले आप करें, करातु किताब, करातु किताब अल्लाही, बाकी पे ऊपर क्यों आपने फतहा लगाया, क्योंकि वो मफूल है ना, बिल्कुल ठीक है, मफूल है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना आपने खुद देखा कि यहाँ पे मुदाफ जो है ना वो हालत नसब में आ गया है ना, उसके ऊपर आपने फतह लगा दिया क्योंकि मफूल था वो, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूँ कि फी किताब अल्लाह, यानी कुछ सी बात का हम जिक्र करें कि वो अल्लाह की किताब में लिखी हुई है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे फी किताब अल्लाह, वहां पे हमने बा के नीचे कसरा लगा दिया, क्यों, क्योंकि फी की वजह से, राइट। और अगर हम यानी नॉर्मल बात कर रहे हैं, किताबुल्लाही मुफीदतुन, अल्लाह की किताब मुफीद है, बहुत मुफीद है, ठीक है, वहां पे मैंने उसको मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल किया है, मुब्तदा हालत रफा में होता है हमेशा, ठीक है। ये सारी बहस सबको समझ आ गई है जो अभी तक हमने की है इतनी, जी ठीक है। तो हमने ये देखा कि अल्लाह का मफहूम कहीं पे भी नहीं चेंज हुआ, अल्लाह का मानी चेंज नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह की हालत चेंज हो रही है, कहीं अगर हालत यानी वो हालत रफा में है, हालत नसब या हालत जर में, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि हालत जर में होने की सिर्फ दो वजूहत होती है, हालत नसब और हालत रफा में होने की कई डिफरेंट वजूहत हो सकती है। अच्छा इसम जब हालत रफा में होता है तो उसको फाइल कहते हैं, मोस्टली फाइल हालत रफा में हमेशा होगा, फाइल हालत नसब में मफ़ऊल होगा, ठीक है, और हालत जर में जो ना वो इजाफी हालत होती है, यानी ऐसा इसम ना तो फाइल हो ना ही मफ़ऊल हो, बल्कि उनमें से किसी एक की पहचान के लिए आए तो उसे इजाफी हालत कहते हैं। जैसे जैद ने खालिद के भाई की मदद की, ठीक है, तो जैद इसमें क्या है जी गुलाम मुस्तफा साहब, जैद, जैद इसमें हालत रफा में है ना, यानी कि ये इसम फाइल है, फाइल है, बिल्कुल ठीक है। मफ़ऊल कौन सा है इसमें, उसमें मफ़ऊल खालिद है, दोबारा देखिए, भाई है, भाई है, भाई, हाँ भाई की मदद हुई है ना, हाँ जैद के खालिद के भाई की, उसका भाई है, वो मफ़ऊल है, भाई मफ़ऊल है,
ठीक है, तो वो हालत है नसब में होगा। और खालिद कौन है, ये सिर्फ पहचान के लिए आया है। अच्छा, वो पहचान के लिए। हाँ, तो ये हालत है जर है, ये इवाफी हालत है। खालिद का भाई, ठीक है, भाई की इजाफत खालिद के साथ है। अखू खालिदिन, अगर हमने इसको अरेबिक में बोलना है ना, तो हम कहेंगे अखू खालिदिन, अखू खालिदिन, खालिद का भाई। अच्छा, जरा करे इसको कोई जी अल्लाह का बंदा या बंदी, इसको अरेबिक में ट्रांसलेट करे इस जुमले को। जी शाबाश, कौन करेगा? जी नसीम साहब, आप ट्राई करें आप। जी, जैद ने खालिद के भाई की मदद की। जी, नसरा जैदुन अखु खालिदिन, तो आपने लगाया अखु खालिदिन, सही है? गौर करें जरा, खालिद के, वो तो मैंने नॉर्मल आपको बताया था ना कि खालिद का भाई अखु खालिदिन होता है। अखा होगा यहाँ पे। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक, बारकल्लाहु फीक। क्यों अखा लगाया आपने? जी, क्यों अखा लगाया? अब ये हालत नसब में होने की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि जो खालिद के भाई की मदद की, तो यानी वो मतलब दोनों ही खालिद का भाई, दोनों जो है वो हालत नसब में मफ़ऊल की वजह से हालत नसब में हम उसको लगाएंगे। ठीक है, भाई की मदद हुई है ना, अखा हो गया, वो हालत नसब अखा होती है। अखू हालत जर हो, सॉरी हालत रफा होती है, अखी। जी, अखी हालत जर। बिल्कुल, जिस तरह हम कहते हैं अबू अबी, अबू बकर, अबा बकर, अबी बकर, राइट? जी शबाना, ये बात क्लियर है आपको? जी, जज़ाकअल्लाह खैर नसीम साहब। शबाना, ये बात क्लियर है जो अभी अभी हम कर रहे हैं? जी जी जी, अखू अखा अखी, अबू अबा अबी, क्या क्लियर है ना? ये एक दफा बता दो फिर जरा। अबू जो होता है ना, जैसे हम कहते हैं अबू बकर। जी, तो अगर तो अबू बकर कोई काम कर रहे होंगे ना, फिर हम अबू बकर बोलते हैं। लेकिन अगर अबू बकर पर कोई काम हो रहा हो, फिर हम अबा बकर बोलेंगे। अबा बकर। तो अगर अबू बकर हालत जर में हो, यानी वो इजाफी हालत में है, तो फिर हम अभी बकर बोलेंगे, या कोई हरफ जर पीछे आ जाए। जैसे कोई रवायत हो, हजरत अबू बकर से रवायत है, हम कहेंगे अन अभी बकर, अन अबू बकर कभी भी नहीं कहेंगे हम अरेबिक में। उर्दू में तो तर्जमा करते वक्त हम यूं ही कह लेते हैं कि अबू बकर से रवायत है, लेकिन अन आएगा शबाना, अन अभी बकर आएगा। ठीक है, उर्दू में तो होती ही नहीं है ना अरबी। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए हम वो किसी भी हालत में बोले तो हम अबू बकर ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन अरेबिक में वो देखेंगे हम। हाँ, अगर तो अबू बकर कोई काम कर रहे हैं हालत रफा में, फिर हम अबू बकर बोलेंगे। लेकिन अगर अबू बकर पर कोई काम हो रहा है, फिर वो अबा बकर बोला जाएगा। वो अबू की हालत नसब जो है ना, वो अबा है, और हालत जर जो है ना, वो अबी है, छोटी या लगा के। बाना क्लियर है? मतलब अबा बकर आएगा अगर उन पर कोई काम हो रहा है। बिल्कुल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इससे पूछो एग्जाम्पल। हाँ तुम ही बताओ एग्जाम्पल। नहीं नहीं, मुझे आती होती तो मैंने अबू बकर की मदद की। चलो बताओ। हाँ, 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 बताओ बताओ बताओ, अरबी अरबी बताओ इसकी। मैंने अबू बकर की मदद, अबू बकर की मदद। मुझे लगता है आपको गर्दाने नहीं आती शबाना, गर्दाने आती है? नहीं, नसारा, नसारा, नसारा तो होता है मदद करना, ठीक है ना? नसारा, उसने मदद की। नसारा की गर्दान सुना है जरा पहले माजी से? नहीं आती ना मुझे गर्दान। चले फिर, आपने कल गर्दान याद करके आनी है इंशाल्लाह। पहले माजी की गर्दान मैंने स्पेशली आपसे सुननी है, क्योंकि इतनी बेसिक चीज नहीं आएगी तो आप नहीं चलेंगी आगे। मेरी आपकी सबकी मेहनत जाया हो जाएगी जी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से उनको पूछ लीजिए गर्दान किसको कहते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने किया कि सबसे आसान ये है, उस पे तू लगाना होता है हमेशा, नसर तू, ठीक है, इस तरह से हजर तू,
اسی طرح اور بھی باللہ ٹھیک ہے میں ایمان لائی اللہ پر. ہاں تو بس ماضی کے ساتھ تم تو سے یاد رکھو اس کو کہ جب تا کے اوپر جب پیش آیا تو اس کا مطلب ہے میں ماضی کی گردان میں بات کروں کہ تو اسی بک میں ہے, اسی بک میں ہے گردانے بھی سب ہے اس کو. بچپن میں ہمیں شیخ صاحب نے پڑھائی تھی گردان یاد کرنا بہت ضروری ہے. نورین نے آپ کو شارٹ کٹ تو بتا دیا دیکھنا ہم نے نحو الوادے میں بھی تو کتنی زیادہ اس کی پریکٹس کی تھی نا. مجھے تو شیخ عبدالحفیظ کو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کبھی ہماری وہ نہ سنے ورنہ کیا گزرے گی ان کے اوپر. کیا جملہ تھا, کیا جملہ تھا؟ میں نے ابو بکر کی مدد کی. جی نجمہ ٹرائی کریں. نصر تو ابا بکر. بالکل نصر تو ابا بکر. اب نصر تو کا مطلب ہے شبانہ میں نے مدد کی. کہ فعل ماضی میں متکلم کا صیغہ اس کو کہتے ہیں میں نے کوئی کام کیا نا. نصر تو میں نے مدد کی. کس کی کی؟ ابو بکر کی کی. تو اب ابو بکر کو حالت نصب میں لانا ہے تو میں ابا بکر بولوں گی. جی جی میں نے ابو بکر کو سلام کیا. جی شبانہ میں نے ابو بکر کو سلام کیا. سلام تو, سلام تو نہیں سلام تو, سلام تو ابا بکر. اچھا جی کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ سلام تو علی ابی بکر. جی بالکل بارک اللہ فیک. ویسے تو شبانہ یہی لگ رہا تھا کہ میں نے ابو بکر کو سلام کیا تو سلام تو ابا بکر, لیکن ایکچولی جب سلام کرتے ہیں نا دیکھو السلام علیکم علا بولتے ہیں ساتھ. جی کو سلام کرنا ہونا شبانہ علا بولتے ہیں. سلام. اچھا ویسے سلام تو ابا بکر کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ابا بکر کو صحیح کیا, سلامت رکھا ہوگا شاید پھر, یا سیدھا کیا. اللہ اکبر پتہ نہیں. سلام تو کوئی چیز کسی کو تھمانے کے لیے مثال کے طور پہ کوئی چیز کسی کو دینے کے طور پہ نہیں نہیں پھر اس کے ساتھ بھی پروناؤن لگ اس کے ساتھ بھی وہ پریپوزیشن لگتی ہے لہو کی لگتی ہے شاید وہ ہم نے پڑھا تھا اسی نہیں کیوں نہیں نہیں لگتی وہ سلاما کر کے کچھ تھا اس کے اندر شاید خیر ہو سکتا ہے مجھے یاد نہ ہو. ہیلو نہیں میرے خیال سے اس میں نہیں لگتا ہے جیسے سلم تو قلمی تو میرے خیال سے میں پورا شیور نہیں ہوں لیکن اور سلام کرنے کے لیے شیخ نے جی جی لیکن شیخ نے بتایا تھا اگر ہم کسی کو سلام کریں گے تو پھر اس میں سلم سلم تو اعلی لگانا اعلی صلاح کے ساتھ. جی ٹھیک ہے لیکن جو سپرد کرنے کا نا مجھے لگتا ہے کہ اس میں لہو ل کا صلہ لگتا ہے ل سلم لہو. جی 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 جو سپورٹ کرنے والا تھا نا وہ بتایا تھا شیخ صاحب نے اس میں لا کا لگتا ہے نا صلہ. جی 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 بالکل جی لام کے صلہ کے ساتھ صحیح صحیح بارک اللہ فیک. فار ایگزامپل جیسے میں کہوں کہ میں نے آپ کے سپورٹ کر دیا ٹھیک ہے تو میں کہوں گی سلم تو لک کوئی بھی چیز جو میں نے آپ کے سپورٹ کر دی تو ل کا صلہ لگتا ہے وہاں پہ اور اگر سلام ہو تو پھر علا کا صلہ لگتا ہے. ٹھیک ہے صحیح صحیح. ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہمارا لیکن یہ ہے کہ مطلب مجھے لگتا ہے بک پہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ بیس کی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ویسے میں آنےسٹلی بتاؤں مجھے سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آتا ہے نا وہ یہ کہ کب فائل ہے کب مفعول ہے کب یعنی یہ رولز میرے خیال میں ہم سب کو پتہ ہی ہوں گے آلموسٹ کہ جو فائل ہے وہ اس حالت میں ہوتا ہے. کب کا کیا مطلب ہے نورین؟ آپ نے ایک جملے میں دیکھنا ہے اور اس کو پہچاننا ہے بس. نہیں نہ یہی تو پہچان ہی تو نہیں ہو پاتی نا. اب یہ دیکھیں یہ کلیئر ہے نا آپ کو بات دیکھیں یہ میں نے جو بھی پیج کھولا ہے یہ مسلمون یہ کون سی حالت ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ رفع ہے نصب ہے جر ہے واحد میں ہے پتہ چل گیا کہ جب تثنیہ ہو تو کیا ہوتا ہے اور جب وہ بالکل سالم ہو یہ سب بھی پتہ ہے لیکن جب موقع آتا ہے نا اور جب شیخ صاحب پوچھتے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں انشاءاللہ اس وقت وہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس وقت ڈھک سے سب کچھ اڑ جاتا ہے نہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ ایسا کیوں ہے. اصل بات جو ہے شیخ اسی لیے ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہا تھا ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں نا اسی لیے وہ کانفیڈنس نہیں ہے نورین مطلب رولز پتہ بھی ہونا اس کی پریکٹس نہیں ہے کانفیڈنس آتا ہے پریکٹس کے ساتھ. انشاءاللہ بھی ہم نے دہرائی شروع کیا ہے تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی پھر کانفیڈنس بھی آ جائے گا انشاءاللہ.
इंशाल्लाह। अच्छा ये तस्निया में देखें शबाना आपके लिए स्पेशली मैं यहाँ इस पेज पे आई हूँ क्योंकि आप थोड़ी सी इसमें कंफ्यूज थी। मुस्लिमानी तस्निया में हालत रफा होती है तो अलिफ से पहचानते हैं इसको, देखिए अलिफ रेड कलर में लिखा हुआ है ना, अलिफ रेड कलर में लिखा हुआ है तो सिर्फ ये जो है ना ये हालत रफा की पहचान है। और यहाँ पे ये या जो है देखें ये हालत रफा की पहचान है और ये रेड में लिखा हुआ है मुस्लिमैनी, और हालत जर में भी मुस्लिमैनी होगा। ठीक हो गया। अगर हम अब उस पे चले जाएं जमा पे, ये जो एक मिनट इफ़त, ये जो नसब और हालत जर है ये इसी पे, हाँ ये जो नसब और हालत जर है दोनों में या है ना, और दोनों में सेम है। हाँ हाँ बिल्कुल सेम है, मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी बिल्कुल सेम है, सिर्फ हालत रफा में चेंज होगा। बिल्कुल जी। और जो ओरिजिनल हालत होती है ना वो हालत रफा ही होती है, ठीक है, हालत नसब और जर में जाने की कोई ना कोई वजह होती है। ठीक हो गया। सिर्फ जमा की हालत है, तस्निया की नहीं है, सिर्फ जमा की हालत है। जैसे रिफत कुरान में जो ये जो अरबी कुरान होते हैं उसमें जो शुरू का एक वर्ड होता है उसपे कोई हरकत नहीं होती, तो अगर उसपे उसके थर्ड वर्ड पे हालत मतलब ये नसब होगा या जर होगा तो उसकी वजह से उसके पहले वर्ड को वो हरकत दी जाएगी। मिसाल दें इसको, वो समझ नहीं आई आपकी बात। जैसे कुछ वर्ड होते हैं ना उनके ऊपर कोई हरकत नहीं होती। आप ऐसा करें कभी पढ़ रही हूँ और अगर कभी आपको लगे कि हाँ ये पहला लफ्ज और इसकी कैसी हरकत है उसकी पिक्चर खींचे उस लफ्ज की और मुझे वॉइस मैसेज करके पूछें। जैसे जैसे अजहब है तो अब उसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब मैं बोल रही हूँ अलिफ है जहब तो उसके ऊपर कोई वर्ड नहीं है अलिफ के ऊपर। अच्छा। तो उसके ऊपर जैसे हमें कुछ हरकत देनी है, कुछ अरबी कुरान ऐसे है, मुझे समझ आ गई इनकी बात है ना, मुझे समझ आ गई तुम्हारी बात। ये जो है ना कवायद के उसमें होता है, ये तजवीद वाले रूल में होता है कि अगर वो जबर है तो फिर जबर, हाँ जबर में नहीं ग्रामर में भी है नजमा, ग्रामर में पहले अमर बनता है ना जी, और पेश होगा और जबर होगा। हाँ 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 सही कह रही है, और देर होगी तो देर लगेगी। अच्छा अभी ये ग्रामर और तजवीद दोनों से इसका ताल्लुक है, ठीक है, तो शबाना लिख लें कहीं आप इसको देखिए। अगर तो इस्म के बारे में हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अर्रहमान, उसमें भी कभी कभी हो सकता है कि अलिफ पे कुछ पीछे अगर आ रहा है तो ना हो, तो अगर इस्म का जो अलिफ लाम है ना इस्म के साथ उस पे हमेशा जबर लगा के पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अगर फेल का है ना वो ऐसा अलिफ जो फेल के साथ लगा हुआ है और उस पे कोई जेर जबर पेश नहीं है और आपने खुद लगानी है तो फेल की सूरत में वो लाजिम इसमें अमर फेले अमर होगा। और फेले अमर का ये रूल होता है जो साकिन कलिमा के अगला वाला जो कलिमा है ना उसके ऊपर अगर तो जबर या पे जबर या जेर है तो दोनों सूरतों में जेर लगता है, पेश है तो फिर पेश लगता है। हाँ ठीक है। फेले अगर, अमर अगर, जैसे अगर फेल हो तो वो फेले अमर कहलाएगा, जो आपने मिसाल दी है ना दहाबा की वो फेल है जी, जेर या जबर हो तो मतलब जेर ही जर ही आएगा लगाएंगे। और अगर पेश हो तो वो दमा हो तो दमा ही आएगा, ठीक। लेकिन अगर इस्म हो फिर हमेशा फतहा लगता है। हाँ जैसे इर्जीई उसमें है ना सूरह यासीन में शायद इर्जीई, बिल्कुल, अलिफ रा और जीम और ऐन है तो जीम के नीचे जेर है तो इसलिए अलिफ के नीचे हमजा के नीचे इर्जीई जेर लगा देंगे जी, ठीक है। और ये जो हालत रफा की जमा में मिसालें देख लेते हैं, मुस्लिमूना हालत रफा में जमा वाओ की निशानी, देखिए वाओ को रेड किया हुआ है उन्होंने, वाओ से पहचान रहे हैं हालत रफा को, लेकिन तस्निया हालत नसब और जर को या से ही पहचान रहे हैं, मुस्लिमीना मुस्लिमीना, ठीक है। और जो टेबल यहाँ पे एक दी हुई है नोरीन, आपको कल थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी ना, वो ये देखें जरा ये टेबल। अच्छा मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, राइट, ये तो वाहिद में हो गया। मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी
निया में हो गया, मुजक्कर की बात हो रही है। मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, क्या ये जमा में हो गया? मुस्लिमतुन मोनस का, ठीक है, मोनस की बात हो रही है। वाहिद में क्या है? मुस्लिमतुन हालत रफा, मुस्लिमतन हालत नसब, मुस्लिमतिन हालत जर, मुस्लिमतानी हालत तस्निया, मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी हालत नसब और जर सेम। अब देखिए यहाँ पे जमा में क्या है? मुस्लिमातुन, ये दम्मतैन, लेकिन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, नौरीन देखो जी जी ये वाली चीज, ठीक है, कि कभी भी यानी वाहिद की तरह, जैसे वाहिद में तो मुस्लिमतन आ गया ना हालत नसब की वजह से, लेकिन जमा में हालत नसब में भी कभी भी आपको जबर नहीं नजर आएगा। एक एक्सेप्शनल केस है, आप समझ लें, ठीक है। तो मुस्लिमातिन होता है हमेशा जमा मोनस सालिम का, मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन उसमें मुजक्कर के तस्निया में, ठीक है, वरना जमा में तो आ रहा है, ठीक ठीक है। चलें, बस यहां से मैंने ये आपको उसकी हालतों की करानी थी प्रैक्टिस। अब अगर हम वापस अपनी बुक पे चले जाएं तो अल्लाह करे कि अब ये क्लियर हो गया हो कि मुदर्रिसु जो है वो मरफू है, ठीक है। यहाँ पे तो हम इसके दम्मा से पहचान रहे हैं, यहाँ पे हम इसके फतहा से पहचान रहे हैं मंसूब है, और यहाँ पे हम इसके ये कसरा से पहचान रहे हैं कि ये हालत जर में है, ठीक है। और ये तीनों जो है ना, मतलब तीनों दफा बदल रहा है लेकिन मानी नहीं बदल रहा, सिर्फ उसकी हालत बदल रही है। यहाँ वो फाइल है इसलिए मरफू है, यहाँ वो मनसूब है इसलिए वो मफ़ूल है इसलिए मनसूब है, और यहाँ पे भी वैसे तो मनसूब ही है लेकिन मजरूर, लफ्ज मजरूर क्यों है? क्योंकि आला के साथ यानी हरफ़े जर पीछे आ गया, तो इस वजह से मजरूर है, ठीक है। ये तो वो सूरत है जब इस्म की बदल रही है तीनों, लेकिन मबनी जो है, बस तीन मिनट रह गए उसके बाद हम इंशाल्लाह 8 बजे क्लास बंद कर देंगे। मबनी वल मबनी, मबनी वो होते हैं मा ला यतगयरु आखिरुहु, जिसका आखिरी जो है उसकी हरकत नहीं बदलती भी सबब आमिली, किसी भी आमिल के सबब की वजह से। नहवन उसकी मिसाल है जा हाउलाई, यानी आए वो सब आए, यानी ये सब आए, ठीक है। हाउलाई हाउलाई हाजा की जमा है, हाजा हाउला क्या है, यही होता है ना, हाजा नहीं, हाजा हाजानी हाउलाई निया है हाजानी और जमा है हाउलाई, ये सब लोग, जा हाउलाई ये सब लोग आए, ठीक है। अब यहाँ पे हालत रफा यानी फी महली रफ़ैन, यानी क्योंकि उन्होंने कहा कि रफा की हालत में है, महली रफ़ैन का मतलब है रफा की हालत में है, क्यों? क्योंकि फाइल है, हमें पता लग रहा है यहाँ जा आ से, जा आ ये काम है ना, आया ये काम करने वाले ही है डेफिनेटली, ठीक है। ये रफा की हालत है। सअल तू हाउलाई, मैंने पूछा इन सब से, ये यानी नसब की हालत में है, लेकिन देखें वो उसके चेंज नहीं आपको नजर आ रहा, हाउलाई हाउलाई ही है। और सल्लम तू अला हाउलाई, मैंने इन सब को सलाम किया। अब ये इसकी हालतें डिफरेंट है, ये हालतें वैसे देखने में यानी हालत रफा है, यह हालत नसब है और यह हालत जर है क्योंकि अला के बाद आ रहा है, लेकिन फिजिकली देखने में आपको कहीं कोई चेंज नजर नहीं आएगा क्योंकि ये मबनी है। सारे अस्माए इशारा मबनी होते हैं, सारे अस्माए जमायर मबनी होते हैं, ठीक है। कुछ और अल्फाज हैं जो मबनी होते हैं, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस है, हमें पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ यही देना था कि कुछ अल्फाज कुछ अस्मा मबनी होते हैं जो कि अपने हरकात को तब्दील नहीं करते हालत की तब्दीली के बावजूद, ये वाली बात बस यहाँ पे करनी थी, ठीक है सबको ये जी। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम कल अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير اور وہ جو بہن جو شبانہ بہن ہے ان کو کہیں کہ یہ جو آج ہم نے پڑھے ہیں بار بار ان کو اگر وہ سنیں گے تو انشاءاللہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ